वाह बॉस, क्या खाना है। अच्छा हुआ आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। दोस्ती का तो नाटक है। एक बार पेड्रो प्रेम सहाय को फिनिश कर दे, फिर उस पेड्रो को रास्ते से हटा के नए ब्रह्मांड का किंग मैं बन जाऊंगा। मिल गया मुझे पेड्रो का रिमोट। अब पेड्रो तू भी गया, तू भी फिनिश और प्रेम सहाय भी। यहाँ की टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अलग है। अच्छा है, बच्चा सही सोच रहा है। पेड्रो उस प्रेम सहाय का क्या करे। ये कहाँ फंस गए हम। सच में पेड्रो की ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। वीर न जाने कहाँ होगा। इस स्मार्ट बॉय को सबक सिखाना होगा। शुभ बॉय, पर पेड्रो परेशान तो ले लेता है जान। लीजा, वीर द रोबो बॉय, अब 30 मिनट तुम्हारे पास है, बच सको तो बच लो। प्रेम सहाय, मेरे साथ हाथ मिला लो, वरना इन एनिमल्स की तरह तुम भी मेरे एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा बन जाओगे। ये मेरा अधिकार है पेड्रो। रिवेंज, ठीक है, फिनिश हिम, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। प्रेम सहाय, तुम्हारा अब जाने का समय आ गया है, पर उसके पहले हंस क्यों रहे हो मैड मैक्स। आई डोंट लाइक इट। इमली, इमली क्या कर रही हो। एक्स रे विजन ऑन। ये तो किसी एलियन ने इमली पर कब्जा कर लिया है। मुझे दादाजी को बताना होगा। दादाजी, यहाँ गड़बड़ हो गई है। लगता है मैड मैक्स ने एक एलियन के सहारे इमली को अपने काबू में कर लिया है। वीर, तुम इमली का ख्याल रखो, और तुमने अपने एक्स रे विजन में जो उस एलियन की पिक्चर स्टोर की है उसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर सेंड करो। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ठीक है दादाजी। ओह, ये अलग अलग केमिकल से बना हुआ ब्लॉब है। ये जरूर मैड मैक्स की ही हरकत है। अब वीर को मेरे पास आना ही होगा। बॉस, यू आर जीनियस। मियाओ। अब प्रेम सहाय और वीर कुछ नहीं कर सकते। बस एक बार मैं इमली और उस चुलबुल को अपने काबू में कर लूं। जी, मैड मैक्स ने इमली के साथ चुलबुल को भी काबू में कर लिया है और एक वैन में बंद करके कहीं ले जा रहा है। अब जल्दी कुछ कीजिए। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन।
सारा काम तो ये चुलबुल और इमली ही कर देंगे। वीर अब अपने ही दोस्तों के हाथों फिनिश हो जाएगा। अरे अरे इमली चुलबुल, मैं वीर हूँ, तुम लोगों का दोस्त। वीर, ये एक ब्लॉब है, मैंने तुम्हारी प्रोग्रामिंग चिप में सूर्य की पॉजिटिव एनर्जीज भेजी हैं। तुम उस पॉजिटिव एनर्जीज को ऑन करो। जी, आसमान में वो बॉल फिर से गायब हो गई है। लगता है मैड मैक्स किसी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या भारी चीज मुझसे टकराई? और वो नजर क्यों नहीं आ रही? एक्सरे विजन ऑन। अरे अजीब है, एक्सरे विजन में भी कुछ नहीं दिख रहा। वीर, तुम्हारा एक्सरे विजन भी मेरे इनविजिबल पावर को देख नहीं सकता। आसमान से गायब हो गया, पर वो गया कहाँ? ये क्या? ये तो कोई एयरक्राफ्ट है। निकालो। आखिर ये सब है क्या? वीर, अब तुम पूरी तरह से फंस गए हो। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुम्हारी चाल इस बार भी कामयाब नहीं होगी मैड मैक्स। बचा सकते हो तो अपने आप को बचा लो वीर। मेरी इलेक्ट्रॉनिक जहरीली गैस बड़े से बड़े रोबोट को पिघला देती है। तुम भी पिघल जाओगे। वीर, तुम्हारा बॉस कौन है? आप हो बॉस। फाइनली अब वीर मेरा हो गया, मेरा। वीर, जाओ और डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दो, ताकि वो कोई दूसरा वीर जैसा रोबोट ना बना सके। जाओ। ओके बॉस। क्या कर रहा है वीर? तो ऐसा कभी नहीं था। ये वीर ही है ना, कोई दूसरा तो नहीं। वीर का हम शक्ल, ये हीरो नहीं, ये तो विलन है। ये वीर ही है। अब यहाँ से भागो, जल्दी दादाजी के पास चलो। दादाजी, दादाजी, वीर। We'll be right back.
मैं ठीक हूँ, लेकिन वीर ठीक नहीं है। उसे किसी तरह रोकना होगा, वरना वो कुछ ही पल में पूरा फुर्सतगंज तबाह कर देगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है दादाजी, जैसे उसका टारगेट आप हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके सिस्टम में किसी ने जरूर कुछ चेंज किया है। अब उसे कैसे रोका जाए ताकि मुझे उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। मैं उसे रोकूंगी दादाजी, मैं वीर से लड़ूंगी। रुको इमली, तुम इस तरह वीर को नहीं रोक सकती। उसके अंदर रोबोटिक पावर है। ये लो, ये जैकेट पहन लो, अब तुम में भी पावर्स आ जाएंगी। तुम बस उसे किसी तरह उलझा कर रखो, तब तक मैं कुछ हल निकालता हूँ। ओके दादाजी। अरे कोई तो दादाजी के अंदर गया है। क्या दादाजी के अंदर? एक मिनट रुको, मैं दादाजी की इमेज का पूरा वर्चुअल विजन को स्कैन करके कंप्यूटर पे देखता हूँ। चिल्बिल, हम इस वर्चुअल विजन से दादाजी की ब्रेन में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। अब तुम्हारी ये इमेज मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे असली इमेज को बेहोश कर दिया है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारे सारे आइडिया चाहिए। बताओ कहाँ छुपा के रखे हैं तुमने, बताओ। मुझे दादाजी के ब्रेन में जाना ही होगा, वरना मैड मैक्स दादाजी को कुछ भी कर सकता है। अरे पर दादाजी तो यहाँ हैं। हाँ, मुझे पता है ये असली दादाजी हैं, पर अगर मैड मैक्स ने दादाजी के ब्रेन में दादाजी की इमेज को कुछ कर दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वीर, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। तुमने ठीक ही सोचा था मैड मैक्स, पर अब यहाँ से बच के नहीं जा सकोगे। लेफ्ट ब्रेन में जाओ, वहाँ पर तुम्हें अलग अलग फॉर्मूला के वर्ड और कुछ नंबर्स दिखाई देंगे। अरे जैसी भी है, वो किताब लेकर तुरंत आओ। किताब का आधा हिस्सा? पर ये किताब है क्या? अरे इसमें तो आसमान में जो एनिमल्स के पिक्चर दिखाई देते हैं ना, स्टार्स को जोड़ के, ये वो है। ये देखो, स्पेस कॉस्मिक पावर। ये तो बड़ी पुरानी बुक है स्पेस स्टार्स के बारे में। समझाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, आसमान में ये सब स्टार्स मिलके एक पिक्चर बनाते हैं। उनकी अलग अलग पावर्स होती हैं। मतलब कि मैड मैक्स स्टार से बने पिक्चर के पावर से कोई गड़बड़ करना चाहता है। हो सकता है, पर इस बुक से मैड मैक्स क्या गड़बड़ कर सकता है? अब तबाही का मेरा मकसद पूरा होगा, और वो तबाही करेगा ये वुल्फ पावर। मियाओ।
a genius, boss. Super duper genius. मैं इस वुल्फ के पावर्स को यहाँ जमीन पे लाऊंगा। क्या बात है बॉस, वो वुल्फ अलाइव हो रहा है। आपके इस रोबोटिक वुल्फ जैसा ही है वो। बॉस आप उस वुल्फ को देखो, मैं अपने इस वुल्फ को देखता हूँ। ठीक ठाक तो है ना? ये क्या हो गया? अब इस वुल्फ बने टिम्बकटू को कैसे कंट्रोल में करूं? खैर जो भी हो, तबाही तो होगी ही ना। अरे ये मक्खी तो जायंट बग हो गई है। हाँ, अलग अलग पांच बग्स के जीवंत कोष से बना है ये जायंट बग। अब देखना ये जायंट बग क्या करेगा। अब फुर्सतगंज भी फिनिश और वीर भी। इतना बड़ा बग। हाँ ये तो सबको फिनिश कर देगा। अरे कुछ करो वीर, ये तो तबाही मचा रहा है। अरे अरे वो देखो रोबो बॉय।
बॉस बॉस पिराना 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 यहाँ आ गई है बॉस। क्या पिराना और इस लेक में? ये नहीं हो सकता। है बॉस पिराना है, उसी ने तो मेरा ये हाल किया है। ये तो सचमुच पिराना है। इन पिराना को यहाँ लेक पर तबाही मचाने दो। वीर जरूर लोगों को बचाने जाएगा, पर मैं उन असली पिराना में मेरी रोबोटिक पिराना को शामिल कर दूंगा। और जब वीर वहाँ लोगों को असली पिराना से आजाद करने जाएगा तब? तब बॉस की रोबोटिक पिराना वीर को ही आजाद कर देगी। यस, ये रही मेरी रोबोटिक पिराना। अब देखना मेरी रोबोटिक पिराना क्या कमाल करती है। हाँ, मैंने सुना है अपनी लेक में पिरानाज आ गई हैं। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरे ये तो हमारा लेक और समुंदर है दादाजी। ये जगह जो देख रहे हो, यहाँ ये पिराना बस्ती है। अच्छा, तो वो पिराना यहाँ क्यों आ गई? लगता है कि वो जहाँ रहती है वहाँ कोई मुसीबत आ गई होगी, तभी पिराना यहाँ आई है। अगर हम पिराना को उसकी जगह वापस ले जाए और उनकी जो मुसीबत है वो दूर कर दे तो? वही करना होगा वीर। ये ड्रैगिंग लिक्विड है जिसे तुम समंदर में डाल के पिराना को जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो। इसका मतलब कि इस लिक्विड की खुशबू से पिराना इसे फॉलो करेगी। वाह, बस हो गया मेरा काम। बॉस संभल के, यहाँ वो असली पिराना भी होगी। अरे बड़ी खतरनाक होती है वो। मालूम है बेवकूफ, बस इस रोबोटिक पिराना को अंदर भेजना है हमें। आप महान हो बॉस। Shut up, वो तो मैं हूँ ही। चलो यहाँ से, अब इस लेक पे होगी तबाही। हेलो, ध्यान से सुनो, सब लोग संभल के रहना, सावधान रहना। इमली चुलबुल, तुम लोग यहीं रहना, मैं उस बच्चे को लेकर आता हूँ।